आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम पदार्थ की रचना और गुणों का अध्ययन करेंगे। अपने आसपास की वस्तुओं को गौर से देखिए, आपको क्या नजर आता है? जी हाँ, हमारे आसपास विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हैं जिनके आकार, आकृति और बनावट अलग अलग हैं। कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान मास हो और वो कुछ जगह आयतन वॉल्यूम घेरती हो, पदार्थ मैटर कहलाती है। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया, जिसे हम पंच तत्व के नाम से जानते हैं। ये पंच तत्व हैं वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। इन्हीं 5 तत्वों से सभी वस्तुएं बनी हैं, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव। उस समय के दार्शनिकों ने पदार्थ को इसी तरह वर्गीकृत किया है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थों को भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार से वर्गीकृत किया है। आइए हम इस वीडियो में भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के बारे में ज्ञान अर्जित करें। दोस्तों, क्या पदार्थ सतत कंटिन्यूस हैं या कणों पार्टिकुलेट से बने होते हैं? आइए एक क्रियाकल्प द्वारा ये ज्ञात करें। एक 100 ml का बीकर लें। इस बीकर को जल से आधा भरकर जल के स्तर पर निशान लगा दें। अब इसमें 1 चम्मच शर्करा कांच की छड़ की मदद से जल में घोल दें। आपको क्या नजर आ रहा है? क्या जल के स्तर में कोई बदलाव आया है? नहीं, ऐसा कैसे हुआ? जल में घुली शर्करा का क्या हुआ? जब हम जल में शर्करा घोलते हैं तो शर्करा के कणों के बीच के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। इस क्रियाकल्प से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पदार्थ कणों से बने होते हैं। हम ये तो जान गए कि पदार्थ कणों से बने हैं, लेकिन ये कण कितने छोटे होते हैं? आइए एक क्रियाकल्प द्वारा ये ज्ञात करने का प्रयास करें। स्याही की 5 बूंदों को 100 ml पानी में घोल लें। इस घोल में से लगभग 10 ml घोल निकालकर उसे 90 ml जल में मिला दें। इसी प्रकार इस घोल को 5 से 8 बार तक तनुकृत करते रहें। आपको क्या नजर आता है कि जल अब भी रंगीन है? प्रत्येक बार तनुकृत करने पर घोल का रंग हल्का होता जाता है, फिर भी पानी रंगीन नजर आता है। ये प्रयोग दर्शाता है कि स्याही की चंद बूंदों से भी पानी की बहुत अधिक मात्रा 1000 ml रंगीन हो जाती है। इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हर बूंद में कई सूक्ष्म कण होंगे। ये कण छोटे छोटे कणों में विभाजित होते रहते हैं। अंततः एक स्थिति में ये कण और छोटे भागों में विभाजित नहीं किए जा सकते। इस क्रियाकल्प द्वारा हम ये कह सकते हैं कि पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। आइए अब हम पदार्थ के इन कणों के अभिलाक्षणिक गुणों के बारे में जानें। क्रियाकल्प 1 और 2 में हमने देखा कि किस तरह शर्करा और स्याही के कण समान रूप से पानी में वितरित हो गए। ऐसा इसलिए संभव हुआ क्योंकि एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। ये दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है।
दोस्तों, क्या किसी भी पदार्थ के कण स्थिर होते हैं या निरंतर गतिशील होते हैं? जल से भरा एक बीकर लें। इस बीकर में 2 चम्मच चाय पत्ती डालें और इसे एक ओर रख दें। कुछ घंटों के पश्चात आप क्या देखते हैं? हम देख सकते हैं कि कुछ समय के पश्चात जल का रंग बदल रहा है। अब इस बीकर को यदि गर्म करें तो आप क्या देखते हैं? आप देख सकते हैं कि बीकर को गर्म करने पर चाय का रंग पानी में अधिक तेजी से घुल जाता है। इस क्रियाकल्प से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतः मिश्रित हो जाते हैं। ऐसा कणों के रिक्त स्थानों में समावेश के कारण होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है और ये ऊर्जा तापमान बढ़ने पर बढ़ जाती है। 2 विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण डिफ्यूजन कहलाता है। आइए अब हम कणों के अंतिम अभिलाक्षणिक गुण के बारे में चर्चा करें। इसे भी हम एक क्रियाकल्प द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। एक तांबे की तार, ईंट का टुकड़ा और एक रस्सी लें। इन पर हथौड़ा मारकर, काटकर या खींचकर उसे भंगुर करने का प्रयास करें। क्या ये आसान था? नहीं, लेकिन क्यों? क्योंकि पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। ये बल कणों को एक साथ रखता है। दूसरे शब्दों में पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या तीनों वस्तुओं को भंगुर करने के लिए समान बल की आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि पदार्थों के कणों के बीच के आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि अब आपको पदार्थ की रचना और गुणों की अच्छी समझ हो गई है। अगले वीडियो में हम पदार्थ की अवस्थाओं, स्टेट्स ऑफ मैटर का अध्ययन करेंगे।